गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके रेड से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है यार, आज की वीडियो में क्या है, मेरी एक फ्रेंड है प्रिया नाम है उसका, तो उसके बंदे पे किया है रियलिटी टेस्ट, मतलब कर किया गया, करने जा रहे हैं। तो यार वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, तो उसने मुझसे हेल्प मांगी है, बोल रही है छोटा सा फेवर चाहिए मेरे बंदे पे यार, जरा रियलिटी टेस्ट कर दे, देखना चाहती हूँ मैं वो रियल बंदा है या नहीं है, कहीं वो उसे चीट तो नहीं कर रहा है। लेट्स सी वीडियो के रिएक्शन कैसे आने वाला है। पहले मैं आपको बंदी को फोन लगा देती हूँ यार, पूछ लेते हैं बंदी के एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। हेलो, हाँ प्रिया, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया यार। हाँ बताओ, वो ना अभी कैमरा लगा हुआ है सामने, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले ये बता दो, अगर ये स्टोरी यूट्यूब पे जाती है तो। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या हो गया यार, इतना परेशान क्यों हो रही है बहन? बताओ हुआ क्या है, मुझे बता, फिर दिखते हैं इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, मिले भी थे हम लोग। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चीट कर रहा है तुमसे, राइट? तो मैं तुमसे हेल्प चाहती हूँ। हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट पोकर साइट के बारे में, जिसे मैंने पहले भी कई बार देखा है, जिसका नाम है पोकर प्लेयर। ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट रियल क्वालिटी पोकर प्लेटफॉर्म है। तो मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे ये साइट के बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि पोकर प्लेयर के पास अपने बेस्ट और खास क्वालिटीज है, जैसे गुड क्लाइंट्स, अमेजिंग कस्टमर सर्विस एंड रेपुटेशन और रियल अप्रोच। आई मीन पोकर प्लेयर हमेशा फ्री रहता है चीटिंग और स्कैंडल से। एंड गाइस, पोकर प्लेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जहां आपको टैक्स पे नहीं करना है, बाकी प्लेटफॉर्म पे प्लेयर्स को टैक्स पे करना होता है। ये साइट बहुत ही ज्यादा अच्छी है पोकर बिगनर्स के लिए, पोकर प्रो गेमर्स की तरह। मुझे खुद इस साइट का इंटरफेस और बहुत ज्यादा पसंद है, और ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। ये ऑफर आपको करती है ऑसम वैरायटी ऑफ कैश, टूर्नामेंट्स, वो भी 24 आवर्स डेली। तो है ना यार, कितना ज्यादा कूल। पोकर प्लेयर की सबसे एडवांटेज, बड़ी एडवांटेज ये है, इसका जो पेमेंट सिस्टम है यार, वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और फास्ट है। पोकर साइट पर आपको बहुत सारे यूजर्स मिल जाते हैं, फिर भी आप अपना आसानी से विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हो विद योर पेटीएम, स्क्रिल, बकाश एंड नेटेलर। मेरी मानो तो यार, आप बहुत ही ज्यादा ये कंफर्टेबल है हम सब लोगों के लिए। पोकर पेयर में आप साइन अप करने के लिए पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ईमेल आईडी डालो और पासवर्ड बना लो, साइन अप हो जाएगा बहुत ही ज्यादा इजीली। तो रेडी हो जाओ अपना बेस्ट देने के लिए इस ग्रेटेस्ट पॉकेट साइट के लिए। अगर मैं आपको यार कन्विंस नहीं कर पाई, तो आप खुद ही ट्राई कर लो, आई एम श्योर यार आपको ये बहुत ही ज्यादा, खुद बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा पोकर पेयर। तो वेट किस बात का, इसे कल पर बिल्कुल मत छोड़ना, आज ही शुरू कर दो, कल आप रिच बन जाओगे पोकर पेयर खेलकर। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके इसको चेकआउट करो, खूब सारा अर्न करो। ठीक है, मतलब पता लग जाएगा कि बंदा लॉयल है या नहीं अगर मैं उससे बात करती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे ऑलरेडी जानता ही है। और अब देखते हैं यार क्या होता है इस वीडियो में। चलो ठीक है, तेरा नंबर दे यार तू मुझे एक बार, तू ना म्यूट डाल दियो वहां से, ठीक है? उसको डाउट नहीं होना चाहिए कि तू कॉन्फ्रेंस पे है, तो वरना पता है ना सारा प्लान सारा खत्म हो जाएगा। नहीं होगा शक, टेंशन वाले बहन मुझ पर भरोसा रख, चल नंबर बता मुझे। ओके, 70 70। ठीक है यार, म्यूट कर दे, मैं उससे ना कॉल लगा लूँ, ठीक है? घर पे रहना, सेफ रहना प्लीज यार। हेलो हेलो, हाय गौरव, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, तू बता कैसी है? बढ़िया, पहचान लिया आवाज से? रेट बोल लेना, रेट्स बोल रही हूँ, ट्रू कॉलर पे पता लगा होगा पक्का, है ना? और बताओ यार, इतने दिन बाद तुम्हें तो पता ही है बोर हो रहे हैं घर पे, तो मैंने कहा यार चलो फोन लगा लेते हैं, किसी को तो लगाऊ, तो मैंने सोचा फोन लगा लिया जाए ना, तो उसमें ना तुम्हारा नाम भी मेरे दिमाग में ना टॉप पे आया, तो मैंने कहा चल यार गौरव को फोन लगा लेते हैं। टॉप पे टॉप पे हाँ। और क्या चल रहा है, रिलेशनशिप कैसा चल रहा है तुम्हारा, ये बताओ पहले तो। रिलेशन ठीक है, मतलब चल ही रहा है, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं चल रहा, मतलब ब्रेकअप तो नहीं हुआ ना? हाँ, लड़ाइयाँ तो देखो हर रिलेशन में होती है, मैं कह रही हूँ ब्रेकअप तो नहीं हुआ ना? ब्रेकअप हो गया यार। ब्रेकअप हो गया, कब हुआ? हो गया, मतलब महीना में हो गया, एक मंथ तो हो गया।
एक महीना हो गया ब्रेकअप हुए बाद ही जब आ रही थी इधर। अच्छा यार, अगर ब्रेकअप हो गया, प्रिया ने मुझे बताया नहीं यार इस बारे में कि ब्रेकअप हो गया, उसने तो कुछ शेयर भी नहीं किया ऐसा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार। प्रिया ने नहीं बताया, नहीं बताया तुमसे? नहीं यार, हो गया ब्रेकअप, काफी लड़ाई हो रही थी। अच्छा तो फिर अब किसके साथ? यार किसी के साथ नहीं, मतलब मन भर गया था मेरा। मन भर गया लड़कियों से? मन भर गया क्या? कैसे मन भर गया? अरे मन मतलब बोर होने लगा था। बोर होने लगे थे? अच्छा मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अच्छा प्रिया में इंटरेस्ट खत्म हो गया था? हाँ। यार ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, मतलब रिलेशनशिप में आते हो अगर नियुक्ति नहीं है तो फिर छोड़ दिया करो ना, क्या फायदा। खैर मैं वो बातें करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं लगाया, मैं सोच रही थी यार देखो मैं भी सिंगल हूँ ठीक है, और समझ नहीं आ रहा मतलब कैसे बोलूँ तुम्हें, तुम इतना तो जान ही पा रहे होगे कि अब सिर्फ इतने सारे लोगों में मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लड़कों की कमी नहीं है, किसी को नहीं होती इनफैक्ट। तो टॉप पे मेरे माइंड में तुम्हारा नाम ही क्यों आया, गौरव? तो मैंने कहा चल यार बंदे को फोन लगा लेती हूँ। ऐसी बात ही तो यार, तभी तो फोन लगाया। और मैं तो नई चीजें सुन रही हूँ, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, चलो फिर ये तो चांदी चांदी हो गया है ना। हाँ प्रिया ने ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे, उसे शेयर ही नहीं किया मुझे कि ब्रेकअप हो गया। मैंने तो कर लिया है, मतलब बातचीत नहीं है तो ब्रेकअप ही है। तो फिर मेरे बारे में क्या विचार है तुम्हारा? मजाक क्यों करूंगी ये बताओ, मतलब मैं पागल हूँ? लॉकडाउन चल रहा है, ये इतना सीरियस वाला टाइम चल रहा है, मैं मजाक करूंगी तुम्हारे साथ है ना? रिलेशनशिप में थे तो मेरे कभी बात हो ही नहीं पाई तुमसे उस वे में। तुम कहा मैं कहा क्या होता है ये बताओ, क्या बड़ा क्या छोटा? 1 मिलियन होने वाला यार, 1 मिलियन होने वाले तो क्या हुआ, वो फैमिली अलग है, तुम लोग अलग हो है ना, और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। 1 मिलियन हो जाए तो क्या हुआ यार, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट है तुम्हारा? तो तुमने बताया नहीं यार कभी? मतलब तुम इतने लॉयल थे प्रिया के लिए कि मतलब तुमने बताया नहीं, अगर तुम्हारा मुझ पे क्रश था तुमने बताया नहीं कि ब्रेड्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? लॉयल की बात नहीं है, मतलब अब इस लड़की के सामने अब तुम दोनों भी दोस्त थे, तुम लगा क्या बोलूंगा मैं, हाँ ये भी है। एक बात बताऊँ वैसे तुम्हें गौरव, यार तुमने ना वैसे ना एक चीज अच्छी नहीं की, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा ब्रेकअप की अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ नहीं है, तो भाई लड़ाइयाँ चल रही है, तुम्हें पता है रिलेशनशिप में लड़ाई होती रहती है ना, पर तुमने मुझे तुम्हारे जो वर्ड्स है तुम्हारे वर्ड्स ये है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, और जो बंदी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है उसका तो यही मानना है ब्रेकअप नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और तुम्हें पता है वो कॉन्फ्रेंस पे ही है। प्रिया बोल रहा तुम? यही बात होती है। बताओ क्या है ये सब, तुम तो बहुत बोल रहे थे कि तुम लॉयल हो, ये है वो है, ये सब क्या है, कहाँ पे तुम्हारी गाड़ी थी? नहीं बोलो, मतलब तुम मेरी फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हो और उसे ये बता रहे हो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, वाह यार। बोलो, मेरे को नहीं पसंद यार, अब क्या बोलूंगा। पसंद मतलब हम एक साल से रिलेशनशिप में है, वो क्या था, तुम टाइम तक कर रहे थे मेरे साथ, ये क्या मतलब यार, कॉन्फ्रेंस पे यार, रेट से तो एक साथ साथ में है और तुम बोलते हो कि तुम प्यार करते हो, पूरी लाइफ टाइम हम रिलेशन में रहेंगे, और मतलब वही यार से तुम्हारा क्या खत्म होगा सीरियसली यार, इतने सपने कर रहे हो, मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे क्या ये गौरव, रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती रहती है, इसका मतलब ये। अच्छा बोर हो गए तुम उससे? अच्छा बेड पे जाने के बाद बोर हो जाता है इंसान? शर्म आनी चाहिए यार, तुम जैसे कुछ लड़कों में जैसे ना सभी बदनाम हो जाते हैं, पूरा लड़का जात बदनाम है कि लड़की होती है ऐसे, तुम्हारे थोड़े बहुत लड़कों की वजह से। मैं दोस्त हूँ, मैं ऐसे घटिया दोस्त और भाईया दोस्त चुपके रहूँ, मैं अपनी जिंदगी में नहीं रखती, और ना ही तो मेरे दोस्त मैं।
बना रहा था और मैं इतनी भरते हुए आया था, मतलब क्या हाँ एक होता ना कि हाँ यार मतलब है एकदम। यार अब बहन तूने देख लिया ना, प्रिया तूने देख लिया ना, जिंदगी में समझा कभी नहीं सोचा था। अगले ने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि वो बोर हो गया है। यार एक नंबर का यार, एक नंबर का सीरियसली ना, अनएक्सपेक्टेड। मैं गाली वाली मत दे, तो वो गाली वाली ना दे तो क्या करे, तुम इतने साल से रिलेशनशिप में और उसका क्या काट रहे हो, गाली ना दे तुम्हें प्यार करे वो। यार झूठ की हद होती है गौरव, हद होती है सीरियसली। तुम सीधा उसे बोल रहे हो कि हमारा देखो वो सीधा फ्लर्टिंग कर रहे हो क्या ही है? बात नहीं हो रही जवान, अगर तुम अगर तुम्हारा तुम्हारा प्यार नहीं था मेरे साथ तो इतने टाइम पर मुझे क्यों दे हम रिलेशनशिप लेकर, तुम मुझे पहले बोल रही थी कि तुम सीरियस हो ही नहीं ना, मैं सीरियस होती। यार तो बात नहीं हो रही जवान, शट अप, चुप रहो तुम। और आज के बाद ना इस बंदी को फोन मैसेज करने की ना जरूरत भी नहीं है, उससे भी नहीं है भाई, तो तेरी जरूरत उससे भी नहीं है, कहते हैं खटिया लोग ना हर गली गली में है। मैंने अच्छी रीत खुद फोन करके बोला कि तुम्हें कॉल करो, और सबसे मैंने इसे नंबर दिया तुम्हारा, इसका तुम्हारा नंबर तक नहीं था ठीक है, तुम्हारी असलियत पता लगाने के लिए कि तुम कैसे हो। मुझे यकीन था कि नहीं आ रहा ऐसा नहीं होगा, मेरा बंदर लॉयल है, लेकिन तुमने दिखा दिया यार कि तुम कितने घटिया हो ठीक है, आज पता लग गया मार दिया। और तेरे साथ ना एक लड़की ना, मेरी बात सुन, एक चीज़ बोलना चाहूँगी तेरे को बस, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तू ना इस लाइफ में नहीं है कि मैं तुझसे तुम या आप करके बात करूँ। और दूसरी बात जो तू बोल रहा है ना, मैं तेरी दोस्त हूँ भाई, मैं ऐसे घटिया और चुटिया दोस्त नहीं बनाती जिसको जिसकी इस तरीके की सोचो, थर्ड क्लास चीप सोचो कि यार लड़की को लड़की से मन भर गया तो छोड़ दो, समझा? मिलके बात, अच्छा मिलके भी तुझे बात करनी है, अब यहीं पे बात हो गई जो होनी थी, सब कुछ क्लियर है। मिलके तू क्या करेगा, मिलके तू हमें पता है क्या करेगा, समझा? आज के बाद उसे फोन मैसेज किया ना, वो तो करेगी नहीं भाई, मैं संभालूंगी उसको, तू क्यों चिंता ले रहा है उसकी, छोड़ दे उसको, मैं संभालूंगी अपने आप, लेकिन तू उसे मैसेज कॉल मत करियो, तू लायक नहीं है इसके, समझा? घटिया, घर में माँ बहन नहीं है क्या तेरी कोई? तेरी बहन के साथ जिस दिन कोई ऐसे करेगा ना, उस दिन तुझे समझ में आएगा एक लड़की की इज्जत क्या होती है। तेरे कुछ घटिया लड़कों की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं, सीरियसली यार, शेम ऑन यू। मिलेंगे प्रिया, बात करते हैं। यार मुझे नहीं मिलना, ब्रेकअप हो गया है, और आपको बताऊं कि कभी भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना ठीक है? प्रिया यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दे फोन और इसको ब्लॉक कर दे अभी से इंसान को, और कभी इस बंदे की शक्ल मत देख। नहीं यार ऐसे हाँ ऐसे घटिया लोग जिंदगी से निकल जाए ना सही होता है, और तुझे एक बात बता दूं इसको मैं, कि मैं एक वीडियो शूट करी थी और ये तेरी जो रिकॉर्डिंग है ना, ये सारी वॉइस तेरी, ये सब पूरी पब्लिक सुन रही है ठीक है, पूरे 9 लाख लोग, ये सब ये यार लोगों को बताना चाहिए ना कि ऐसे घटिया लोग भी दुनिया में होते हैं, जो लड़की जो ये सोच होती है जिनके की मैं बोर हो गया था, अब तुझे पता चलेगा तेरी तेरी औकात तेरी असली सब पता चलेगा। चल ठीक है, तेरा तो आए दिन मन बदलेगा, छोड़ दे तू। सब लगेगा इसको, जब सब लोग देखेंगे ना कि ये कैसा घटिया है, सब पता लगेगा इसे। वेल वेल, थैंक यू सो मच यार, बस तू अपना ध्यान रख और मिलूंगी मैं तुझसे जल्दी, बस तू संभाल उसको है ना, और इस ऐसे घटिया लोग चले जाएगी जिंदगी से तो घटिया, और निकल आज के बाद फोन मैसेज ना करिए उसको ठीक है, दफा चल पहली फुर्सत से निकल। सो गाइस देखा आप लोगों ने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई इनके रिलेशनशिप में, और लड़के की सीधी सीधी वर्डिंग्स क्या थी। मैं यहाँ पे हर लड़के को नहीं गलत दिखा सकती, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो यार जिनकी इंटेंशन मेरे को लेके इतनी सही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, जिनको जिनके मन में ऐसा आता भी नहीं होगा कि हाँ रेट्स के साथ ऐसा कुछ, पर यार कुछ ऐसे लड़के हैं ना सीरियसली, वो जिंदगी से जितनी जल्दी हो जाए ना निकल जाए वही बेहतर है। तो प्लीज यार ऐसे घटिया लोगों से, ऐसे घटिया लड़कों से दूर रहो, और यार अपने मम्मी पापा को देखो यार, उनके लिए कुछ करो करो यार, उनको कितनी उम्मीद है आप लोगों से, प्लीज इसे घटिया 2% के रिलेशन से दूर रहो और आगे बढ़ो जिंदगी में। लव यू, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी यार 9 लाख की फैमिली हमारी पूरी हो चुकी है, जल्दी से 1 मिलियन का सफर पूरा करा दो, और यार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लव यू।